मोदी सरकार में भारतीय नौजवान तेजी से बेरोजगार होने लगे हैं। रवा साल के 2 माह में अब तक 1 लाख से ज्यादा भारतीय नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। आलमी मीडिया का कहना है कि 332 बैनुल अक्वामी कंपनियों ने 1 लाख से ज्यादा भारतीय मुलाजमीन को फारिग किया। गूगल इंडिया ने 12,000, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 और अमेजोन ने 8,000 भारतीय मुलाजमीन को फारिग किया। भारतीय नजात सीईओ सुंदर पिचाई मोदी की पॉलिसियों के सामने बेबस नजर आते हैं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मुलाजमीन को निकाले जाने के खिलाफ मुजाहरे किए गए। भारतीय शहर देहरादून में पुलिस ने बेरोजगार नौजवानों पर तशद्दुद किया और 13 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। आलमी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरों में 15 भारतीय पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए। भारतीय इंतजामिया ने जिला देहरादून में दफा 144 नाफिज कर दी।